दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट हो गया है, वो भी जा रहा है ये भी जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा दोनों ट्रेन चल रहे हैं। उसका चक्का देखो भाई घूम रहा है इसका भी। और ये मिसामारी कैंप खत्म, और पहाड़ भी देखो कितना प्यारा लग रहा है। और हम लोग एक घंटे में पहुंच जाएंगे भाई अपने स्टेशन पे। और ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, पूरा सीट बुक हो चुका है। और आगे का भी हम लोग अभी रंगिया स्टेशन पहुँचने वाले हैं, पहुँच गए हैं। ये रंगिया स्टेशन है, ट्रेन अभी प्लेटफार्म में एंटर नहीं हुआ है। कितना मस्त है इधर का व्यूज। ये है रंगिया स्टेशन, ट्रेन पूरा घुमाए वो रहा रेलवे स्टेशन। अब ट्रेन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पे एंटर हो गया है, और इधर मालगाड़ी रुके हुए हैं। पीछे का व्यूज देखिए, आ गया ये रंगिया जंक्शन। दोस्तों रंगिया स्टेशन से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं कमैया। रंगिया स्टेशन पे हमारा स्टॉपेज है, वहाँ पे उतरेंगे आपको दिखाते हैं। भाई ये पहाड़ देखो, ये ट्रेन के पीछे नया नया गाड़ियाँ आके रुकी हुई है, वो भी मालगाड़ी वाला ट्रेन जो होता है उसमें ही आए थे। पर ये ट्रेन रुक खड़ा होने की वजह से वो सब गाड़ी दिखाई नहीं दी है। ये देखो पहाड़, और भी पास से इधर साइड में हाईवे इधर ट्रेन का रास्ता, और उधर पहाड़ के लिए बहुत ही मस्त जगह है भाई। ब्रिज खत्म हो गया भाई, आधा ब्रिज का वीडियो लिया तब तक ले कॉल आ गया मेरा, और मैंने फ़ोन उठाया वीडियो स्टॉप हो गया। इधर का गुवाहाटी का घर सब देखिए, आ गए हम कामाख्या स्टेशन। बहुत स्लो जा रहा है, बहुत स्लो। भाई इधर का तो टीना ही नहीं लगा है बन रहा है ये नया से, और ये पहले का है। पहुंच गए हम लोग प्लेटफार्म पे, और ट्रेन अब रुकना शुरू हो गया है धीरे धीरे। 10:23 और ये लिफ्ट ऑफ है, ऑन भी नहीं किया गया है, ऑफ है। और हम लोग उतर गए हैं, सामान उतर रहे हैं, दीदी लोग भी उतर रहे हैं। तो सभी हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, और कुछ बैठने के लिए ढूंढ रहे हैं, कहीं आराम से बैठेंगे। कहीं पर कोई जगह नहीं मिल रहा है, खाली सब फुल हो गया है। और जो ट्रेन से हम लोग आए थे वो ट्रेन जा रही है, बाय बाय। और यही ट्रेन से हमें शाम को फिर रिटर्न जाना है अपना घर डेकारगाँव। यही ट्रेन आएगी तब हम जाएंगे।
दोस्तों मैं आया हूँ बाबू को लेकर घूमने के लिए, ये तंग कर रहा था तो इसकी मम्मी बोली थोड़ा घुमा के लेके आने के लिए, किले में इसे लेके आया और ये अभी जाएगा लिफ्ट पे। देखो कैसे डरता है लिफ्ट पे। ये चालू हो गया हाँ, मुझे तो लग रहा था ये डरेगा पर ये तो बिल्कुल नहीं डर रहा है, ये तो आराम से जा रहा है। रहो पाँव नीचे करो, हाँ बिल्कुल आराम से, ये तो पढ़िए इधर देखो इधर इधर, हेलो हेलो, ये तो बिल्कुल भी डरा ही नहीं, मुझे उल्टा डरा दिया ये तो। चलो हम पहुँच गए, चलो 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 चलो। मैं तो सोचा था ये डरेगा पर ये नहीं डर के मुझे डरा दिया, चलो कोई नहीं और घूमते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ को छोड़ने के लिए, बुआ का ट्रेन आ गया है, उन्हें छोड़ लेंगे, उसका बाद दीदी लोग का ट्रेन आएगा तब दीदी को छोड़ेंगे, उसका बाद अपना ट्रेन तो भाई शाम को 6 बजे है। अभी जाएंगे ओवर ब्रिज से उस साइड, जाने में 12 बजे का भाई भाई इतना भारी बैग दे दिए हैं और उठा के लेके चलो, इसका मौज है बेटा ना, चलो भाई। और जो बुआ लोग का ट्रेन है जिस ट्रेन से जाना है वो इस ट्रेन में जाएंगे, चलो बिकॉज हम लोगों ने छोड़ तो दिया है उनको, उनका सीट नंबर भी मिल गया है और उन्हें हम लोग बैठा भी दिए हैं, ये रहा इधर बैठा दिए हैं और अब हम लोग जाएंगे अपना अपना दीदी को छोड़ने के लिए। दीदी को छोड़ने के बाद फिर अपना गाड़ी का लाइन पकड़ेंगे दोस्तों, फिर राजधानी में बैठने का कुछ फीलिंग ही अलग आता है एसी का, पर ये एसी नहीं, सीट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म हो जाएगा तब एसी को भी मिल जाएगा, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बाय दोस्तों, दीदी का भी ट्रेन आ गया है और दीदी को भी ट्रेन में बैठा दिया है, सीट और सब मिल गया है और ट्रेन अभी जाने में बहुत ज़्यादा लेट है, अभी तो वो जस्ट आया ही और ये दीदी लोग का सीट फर्स्ट दरवाज़ा से घुसने का साथ साथ अच्छा सीट मिला है, पर दीदी को बुरा लग रहा है बाथरूम के पास में है बोल के, कोई नहीं दोस्तों बिकॉज ट्रेन चल चुकी है और और उधर एक बंदर है, देखोगे ये देखो बंदर चूहा ये ऊपर जाएगा बदमाशी करता है। तो हम लोग का स्टॉपिस आ गया है और हम लोग उतर रहे हैं और दीदी अब जाएगी इधर से अकेले, जीजू लोग बाय बाय जा रहे हैं। चलो दोस्तों चले शरीरों को देख लो, बाय 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 खुशी बाय, बिकॉज दीदी लोग का ट्रेन जा रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं अपना ट्रेन का टिकट लेने के लिए, टिकट लेने के बाद फिर हम लोग चलो बाय बाय पूरा बाहर निकलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, बाय। है फ्रेंड्स ये गाड़ी जा रही है, हम लोग चल रहे हैं अपना टिकट लेने के लिए, बट आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रहा था आप लोगों को, फिर भी हम दिखा रहे हैं कि हमारा भाई हम लोग गए थे टिकट लेने के लिए पर अभी टिकट काउंटर पर टिकट नहीं दे रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा बाहर ही क्यों ना घूम लिया जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है वो देखो बाहर। प्लेटफॉर्म नंबर
कितना मस्त है। चलो दिखाते हैं आप लोग को बाहर का भी। और ये है लिफ्ट, जो लिफ्ट से अभी दो चार बंदे चले गए, जा नहीं सकते, अब हमको जाना पड़ेगा पैदल। यहाँ पे कोविड चेक करता है देखो भाई। तो हम लोग यहाँ से तो बिल्कुल जाने वाले हैं नहीं, लिफ्ट से जाएगा, कहीं से भी जाएगा, चेक करके मेरे ख्याल से। चलो देखा जाता है दोस्तों, वीडियो का एंड करने का टाइम हो गया है और हम लोग का ट्रेन ये रहा आ चुका है और हम लोग अब ट्रेन पे बैठने जा रहे हैं। और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और चैनल में नए होंगे तो लाइक, और सॉरी चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। बाय दोस्तों। दोस्तों वेलकम मेरे इस यूट्यूब चैनल में नंदू ब्लॉग। और आज है 30 नवंबर और हम जा रहे हैं गुवाहाटी। और गुवाहाटी क्यों जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। हम जा रहे हैं दीदी को छोड़ने के लिए, दीदी जाएगी दिल्ली तो हम चलते हैं घूमने और आपको भी लेके चलते हैं। अभी सुबह के बज रही है 5 बजने वाला है और हम जा रहे हैं और आप लोग को भी लेके जाएंगे। चलिए दोस्तों, अभी गाड़ी आया नहीं है बिकॉज़ हम लोग घर पर हैं, सब लोग रेडी हो चुका है, गाड़ी आएगा फिर निकलेंगे। आप दोस्तों ये है मेरी दीदी और यही जा रही है और हम इन्हीं को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। और ये दीदी का छोटा लड़का है और वो दीदी का लड़की है बड़ी। इधर आओ खुशी। अभी हम लोग जा रहे हैं बिकॉज गाड़ी आ गया है घर का बाहर और अभी निकलेंगे। दीदी कुछ बोलना चाहती हो? बाय दोस्तों, जा रहे हैं। बाय दोस्तों। बाबू तुम्हें कुछ बोल दो। बाय दोस्तों, दिल्ली जा रहे हैं। हमें भी ले जाओगे? ले जाओगे? चलो चलते हैं फिर। दोस्तों हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं और टिकट विकेट लेके हम लोग बैठ गए हैं। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे गुवाहाटी और ये ट्रेन खुलेगा थोड़ा देर में, चलेगा। और बाहर का नज़ारा देखो दोस्तों, धुंध होने का वजह से व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। कोई और एक ट्रेन आ रहा है या फिर जा रहा है, पर इस ये मालगाड़ी का उस साइड है इसलिए पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को धुंध तो पता ही चल रहा होगा भाई, कैसा धुंध है। चलिए फिर ट्रेन निकलने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को व्यूज। भाई ट्रेन का टाइम हो गया है और ट्रेन चलने में 1 मिनट है सिर्फ और अब पूरा उजाला हो चुका है। ट्रेन चल दिया। चलो दोस्तों देखो ट्रेन चलने लगा, आप लोग को रास्ता देख के पता चलेगा ट्रेन जा रहा है, पता चला। और हम अब स्टेशन से निकल चुके हैं और यहाँ से अब जाएंगे कामाख्या स्टेशन तक। कामाख्या या फिर रंगिया कहीं पे भी उतर सकते हैं, दोनों में से कोई जगह फिक्स नहीं है। पर दीदी बोल रही है कामाख्या उतरने के लिए, भैया बोल रहे हैं रंगिया उतरने के लिए, कहाँ पे उतरेंगे बिकॉज कुछ फिक्स नहीं है। और हम लोग स्टेशन से ट्रेन निकल चुका है और अब पीछे का व्यू दिखाते हैं। वो देखिए उधर धुंध, देखिए भाई धुंध, मुझे तो धुंध देख के बड़ा मजा आ रहा है। बाय बाय स्टेशन। उधर दो दो मालगाड़ी रुके हुए हैं, वो बहुत प्यारा लग रहा है इंजन उसका। बिकॉज दीदी लोग इधर बैठे हैं और भैया इधर है और जीजू इधर और मैं तो इधर ही हूँ। वेलकम दोस्तों, ये देखिए हम जा रहे हैं गुवाहाटी, ये हमारा ट्रेन जा रही है। बैक कैमरा नहीं हो रहा, ये देखो क्या व्यू दिखाते हैं आपको, एक सेकंड आपको। हेलो दोस्तों, ये देखिए गुवाहाटी का ये डेकार का से हम निकल चुके हैं, अभी हम पहुँचने वाले हैं बिंदोगुड़ी। वो हमारा बिंदोगुड़ी ग्रीन दिखा रहा है, स्टॉपिज है फिलहाल। और ये देखिए व्यूज यहाँ का, ये धान सारा काट दिया गया है। वाह, ये धान देखो सारा गिरा हुआ है धान इसमें का। ये हमारा ट्रेन, ये देखिए ट्रेन कितनी लंबी होगी। हाँ बिंदुगुड़ी में ट्रेन नहीं रुकेगा ना? रुकेगा, ग्रीन है तो पार हो जाएगा, रेड होने से रुकेगा। ट्रेन का गेट पे खड़ा था, फिर वो पूरा पानी गिर चुका है और ये देखिए मैं अभी पूरा भीग गया हूँ फिलहाल, आग से आंसू जैसे आने लगा है। बट ये हमारा मैन एंड तो आप लोग जानते ही हो, बताना क्या बताना जरूरी है। ये देखिए हम डेकार गाँव रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, ये हमारा डेकार गाँव रेलवे स्टेशन।
होती है वो आपको हम लेके चलेंगे रांगापाड़ा। आपको अगली स्टेशन रांगापाड़ा मिलेगा तो आपको हम रांगापाड़ा स्टेशन दिखाएंगे। तब तक के लिए आगे देखते रहिए। दोस्तों देखिए ये हमारे इधर का टी बागान, सेसा टी बागान, और ये अभी काटा हुआ है, कटिंग किया हुआ है, जस्ट नया पत्ता निकलेगा इसमें से। और नया पत्ता वो देखिए इतना मस्त है, ये अभी न्यू न्यू निकला है जस्ट, कितना ग्रीन, डार्क ग्रीन, हल्का ग्रीन सब दिख रहे हैं। और एक बात बताना चाहूँगा, इधर रात को जंगली हाथी भी निकलते हैं इधर रात को, मतलब एक दो नहीं बहुत सारा निकलते हैं, बिकॉज कभी मिला नहीं है हमें, और रात को इतना हम लोग इधर आते भी नहीं हैं, पर मेरे दोस्त लोग इधर हैं, दो चार उन लोग बताते हैं इधर रात को हाथी निकलता है। और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, 10-12 किलोमीटर जैसे है उतना दूर में, और इधर घूमने आते हैं हम लोग दिन में कभी कभी, और आप लोग भी आइए। दिखाई दे रहा होगा चाय बगान, हमारे इधर असम में सबसे ज़्यादा चाय बगान ही है दोस्तों, जंगल ही देखने मिलेगा, पर जंगल में ही तो जन्नत भी है। भाई ट्रेन देखो यहाँ से घूम रही है, गोल राउंड घूमेगा, और उधर देखिए पहाड़ पर अच्छा से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। और ट्रेन पास जाएगा तब हम आपको पहाड़ का पूरा क्लियर व्यू दिखाएंगे, उतना भी पास से नहीं जाएगा, थोड़ा दूर से जाएगा, तभी भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे जितना हो सके। चलो दोस्तों, और दोस्तों ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ये रास्ता रांगापाड़ा जाएगा, वो रास्ता रांगापाड़ा भी जाएगा, और ये जो हम ट्रेन में बैठे हैं ये ट्रेन भी रांगापाड़ा जाएगा। और मैं वो रास्ता से भी गया हूँ एक बार, रांगापाड़ा ऐसे घूमने के लिए गए थे, बाजार वजार उधर बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, और वहाँ पे कम दाम में बहुत कुछ मिलता है, बहुत अच्छा अच्छा सामान मिलता है कम दाम में। और अभी तो रास्ता बिकॉज पहले तो बहुत गंदा था, बन रहा था तब एकदम बहुत ऑफ रोड जैसा था, पर अभी तो पूरा मस्त बन गया है रास्ता। वही रास्ता देखने के बाद मन का बाइक से जाने में क्या मज़ा आता है वो रास्ता में। दोस्तों रांगापाड़ा स्टेशन पहुँचने वाला है, ट्रेन स्लो हो गया है और हम अभी चल रहे हैं। ये देखिए भाई ट्रेन पूरा है। ये सब जो फुटपाथ दिखाई दे रहे हैं ना, इधर बाजार लगता है 10 बजे का बाद डेली लगता है, और कोई एक दिन स्पेशल भी होता है, पर ऐसे डेली होता है बाजार। ट्रेन के इतना मज़ा लग रहा है घूमते हुए, देखिए ये रांगापाड़ा टू बालीपाड़ा का रास्ता है, और ये आ रहा गया स्टेशन, सॉरी ये है रांगापाड़ा टू बालीपाड़ा का रास्ता दोस्तों, वो कुछ कहीं और का रास्ता होगा, गलती से बोल दिया। और गाड़ी प्लेटफार्म के अंदर एंट्री हो गया है, और बिकॉज यहाँ पे आधा घंटा ट्रेन रुकेगा, और यहाँ पे आधा घंटा रुकने का मतलब ट्रेन इंजन चेंज करेगा, वो अभी उस साइड है, अभी इस साइड हो जाएगा उसका इंजन, फिर इधर इंजन होने के बाद फिर इंजन जाएंगे गुवाहाटी। चलो दिखाते हैं और भी, ये है रांगापाड़ा रेलवे स्टेशन, इधर राजधानी एक्सप्रेस रुका हुआ है, वो जो रेड कलर का है ना वो राजधानी एक्सप्रेस रुका हुआ है, और अभी हम लोग पैसेंजर में हैं। अभी कहानी क्या हुआ पता है दोस्तों, बुआ मतलब अभी सारा थी और दीदी इधर भी रुकी हुई थी, और ट्रेन ने अचानक ब्रेक मारा, मतलब ब्रेक मारा तो झटका लगा और बुआ दीदी के ऊपर गिर गई। अब लोग बंद था नहीं तो आप लोग को दिखाता। भाई वो आ रहा है ट्रेन का इंजन, अभी ये आगे था, अभी आगे से निकल कर पीछे जा रहा है, पीछे लगेगा फिर हम लोग जाएंगे। ये रहा आ गया, साउंड सुनो भाई, बाय बाय।
अभी हम लोग प्लेटफार्म पे उतर के कहीं जा रहे हैं मतलब दुकान जा रहे हैं। कुछ क्या लाना है? विक्स चॉकलेट लेने के लिए जा रहे हैं। किसका गला खराब हो गया है? दीदी का। अच्छा, दीदी का गला खराब हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं विक्स चॉकलेट लेने के लिए। उम्मीद कम है कि स्टेशन पे मिलेगा वो, जैसे बाहर तो मिल जाएगा मेडिकल शॉप पे, पर स्टेशन में कोई चांस ही नहीं है। फिर भी ढूंढ ले रहे हैं, मिलेगा तो अच्छा बात है। दोस्तों, हमें अंदर नहीं मिला, रेलवे स्टेशन के अंदर भी चॉकलेट नहीं मिला, तो हम लोग बाहर आए थे, बाहर से ले लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। और वो रहा रेलवे स्टेशन, रायापारा नॉर्थ है या जंक्शन है? रायापारा नॉर्थ होता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए भाई। फिर ये आदमी रायापारा जंक्शन ही बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, कुछ भी बोलने से हुआ, बस पहुंचने से हुआ जगह तक, ठीक ही नहीं। दोस्तों, देख सकते हैं नया ट्रेन यहाँ पर बना के रखा हुआ है, क्या आप दिखा सकते हैं? रीपेंट किया हुआ है, रीपेंट, वो रेड कलर वाला। ये रहा बरा नॉर्थ, ये स्टेशन का नाम, और ये रहा हमारा ट्रेन। और हमें जाना है पीछे वाले बोगी, एकदम पीछे ही है हम लोग। चलिए, ट्रेन स्टार्ट हो गया है रहा बरा स्टेशन से, और हम लोग निकल चुके हैं। बहुत स्लो, बिल्कुल स्लो, अभी रेड लाइट है, फिर भी ट्रेन जा रहा है। उन्हें इंजन पार हो चुका है, उसके बाद रेड लाइट हुआ है, मतलब जा सकते हैं ट्रेन। और अभी हम लोग जिस साइड से आए हैं उसी साइड से जा रहे हैं, बस रूट अलग हो जाएगा, सामने आगे जाकर रूट अलग हो जाएगा। ये रूट चेंज कर लिया, तो हम जाएंगे गुवाहाटी। चलो, बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग बाहर। कितना मस्त, मुझे लगा था ट्रेन और भी पास से जाएगा, पर इससे ज़्यादा पास से ट्रेन नहीं जाएगा, इससे भी दूर होते जा रहे हैं। अब मैं बोलते हैं दिखा दूँ, कितना मस्त है ये बाहर का नाम नहीं पता, पर काफ़ी ज़्यादा मस्त। भाई, ब्रिज का साउंड सुनो, अचानक से ब्रिज आ गया, जैसे मैंने वीडियो बंद किया उसे ब्रिज आ गया, फिर मैंने फ़ोन कर दिया, पता ही नहीं चला कब ब्रिज आ गया। और ये निशामारी कैंप है, ये निशामारी कैंप है, और अभी हम निशामारी कैंप में चल रहे हैं। ये आर्मी कैंप है, देखो भाई, आर्मी गाड़ी बहुत ज़्यादा ही है इधर। ट्रेन ऑलरेडी रुका हुआ है, और हमारा ट्रेन रुकेगा कि नहीं नहीं पता, रुकना तो नहीं चाहिए, स्टॉपिस नहीं है। ये स्टेशन मिसामारी है, और मिसामारी स्टेशन क्रॉस कर रहा है, ट्रेन नहीं रुकेगा शायद। और ये सब एसी बोगी है, आई मीन ये राजधानी ट्रेन है। ट्रेन का नाम क्या है? ट्रेन का नाम नो, हम लोग का ट्रेन रोक दिया भाई, अब वेट करो, दो मिनट का शायद स्टॉपिस है। दोनों ट्रेन एक साथ स्टार्ट हो गया है, वो भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा दोनों ट्रेन चल रहे हैं। उसका चक्का देखो भाई, घूम रहा है इसका भी। और ये मिसामारी कैंप ख़त्म, और पहाड़ भी देखो कितना प्यारा लग रहा है।